स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC All Jobs Online में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे माग गाम डाक सिविल्डर्स और लिमिटेड, इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें जो है अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे, प्रोसेस आपको बताऊँगा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के, ठीक है। कौन कौन इसमें अप्लाई करेगा सारा कुछ इसमें बताया जाएगा दोस्तों। और अभी आपको क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले अभी आपको करना है दोस्तों चैनल पर आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना वो उन सभी भाइयों के पास जो इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप इसमें जो है अप्लाई एंड ऑनलाइन अपना फॉर्म करेंगे स्टेप बाई स्टेप बिना गलती करें, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो फॉर्म में, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं आपका जब क्वेश्चन का जवाब तुरंत देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए, दोस्तों नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो आपका 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त रखी गई है। 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट 21 अगस्त रखी गई है। तो इसमें आप जो है वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, इसका लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं, फीटर में देख सकते हैं, यहाँ पर सारा दे रखा है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ और देखते हैं क्या इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपके दे रखे हैं अगली बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में आपको क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, क्या चीज़ कौन सी मांगी गई है, ड्राइवर की भी है इसमें, इलेक्ट्रिशियन की है, फिटर की है, जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, मैं नीचे आपको कुछ और दिखा देता हूँ, इसमें कुछ और तो नहीं दे रखा है। एक अगस्त 2023 के हिसाब से आपके इसमें उम्र मांगी गई है, मिनिमम आपकी 38 साल तक यहाँ पे जो है चल जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 25 पेज में है, देख सकते हैं। आपका जो पेपर होएगा इस तरह से होने का, देख सकते हैं आप, टेस्ट आपका इस तरह से होएगा, 100 मार्क्स आएगा, 60 मिनट्स मार्क्स, आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। अभी अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट देख लेना। आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्टल पर आ जाएगा, इसका लिंक मीटिंग में नीचे डाल दूंगा, और यहाँ पे लिखना है न्यू खाता बनाएं, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। पहला संबंध, आप मिस्टर है, मिसेज है, आप जो भी है इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम, तो जो भी आपका नाम है वो डाल देंगे, अगर आपका मिडल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम आप डालेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप डालेंगे। उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी एंड आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जिस पे स्टार बनाया हुआ है वो कंपलसरी होता है देना, आपको भी पता है, तो आपको जिस पे स्टार है वही आप दे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इस सिंपल सा नो कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा डाल देंगे और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं आप, आपको दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वैलिड लिंक सेंड टू योर ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आया है, वहाँ से आप उसे एक्टिवेट करेंगे, तो आपको दिखा देता हूँ वो।
दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे इस तरह से एक एक्टिवेट लिंक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक है लिख रहा है ना, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने बाद आपका जो है यहाँ पे हो चुका है। अब आपका यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे इसे आप लॉग इन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लॉग इन करने के लिए क्या करना है आपको, फिर से आपको इस वाले जो है पोर्टल पर आना है। आपको दिखा देता हूँ मैं इस वाले पे। अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी एंड अपना पासवर्ड डाल के, ये वाला कैप्चा डाल के और लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेड के लिए, आप क्या करेंगे यहाँ पे उसको टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू एलिवल, ये वाले पे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। अब आपके यहाँ पे योग्यता आ जाएगी, क्या चीज़ मांगी गई है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने वाले अब आवेदन करें पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद मतलब आपको यहाँ पे स्वीकार करने पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है इस तरह से ओपन हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं आपकी डिटेल आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना है, फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है फादर का या मतलब कि फर्स्ट नेम है, अगर आपका फर्स्ट नेम है तो खाली आप फर्स्ट नेम लाइन देंगे। उसके बाद मैरिड स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा साइड में थोड़ा ऊपर रहा है दोस्तों, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, फिर से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा, यहाँ से आपको अपना स्टेट चुनेंगे जहाँ पे आप डोमिसाइल है आपके। उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे देना है, इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी से आते हैं, अगर आप यूपी से बाहर के आते हैं तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग जौन सा भी स्टेट आपका। उसके बाद आपका धर्म आ जाएगा, यहाँ पर हिंदू। आपकी कास्ट यहाँ पर चुनेंगे, जौन से भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप इनमें से कोई है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो आप इसे नो ही रहने देंगे जैसे कि जैसा है इस पर। अगर आप इंडियन नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने वाले ये एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर अलग अलग डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस पर टिक करके एक एड्रेस आप दे सकते हैं। जब आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हाई स्कूल में आपको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम चुनना है, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो आपके हाई स्कूल में थे, उसके बाद परसेंटेज क्या थी, उसके बाद आपकी पासिंग ईयर कब हुई थी, उसके बाद आपका फर्स्ट है सेकंड या फेल है जो भी है, उसके बाद अप्रेंटिस यहाँ पर डिटेल। अब यहाँ पर आपका जो भी है इनमें से आप चुनेंगे। चुनने के बाद अपने स्कूल का नाम डालना है, और स्कूल का नाम डालने के बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट था वो डालना है, उसके बाद आपकी परसेंटेज, उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास की थी, और उसके बाद फर्स्ट थी या सेकंड थी वो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप डाल देंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है, फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। आपको यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस पे आपको डालना पड़ेगा। फिर से लॉग आउट हो चुका है, फिर से लॉगिन करता हूँ मैं इसे। अब दोस्तों आपको फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 700 KB से कम आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए JPG में, और साइन का साइज भी आपका 700 KB से कम होना चाहिए। जब आप फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आप इसमें जॉब करते थे तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। और नो रखने के बाद फिर से आपका लॉग आउट हो चुका है, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा ये। अब दोस्तों नो करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू आ चुका है, फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे इस पर टिक करके। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट करके अपनी अपना फॉर्म जो है कनेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुधार आप इसमें कर पाएंगे, बाकी इसमें आप जो है सुधार करने बाद ही आप जो है सबमिट करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसका जो मैंने आपको बताया था।
इसका ये नोटिफिकेशन है, आपको लिंक डाल दूंगा मैं, आप भर लेना इसका। मागाम डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, ये इसका जो है पूरा नाम है फार्म का, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म आप भर लेना, ठीक है दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है दोस्तों। कुछ रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो और एक बात और ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी देर में ये लॉग आउट होएगा आपका फॉर्म, तो आपको फिर से लॉग इन करके दोबारा जो है फॉर्म भरना है। तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ हूँ इसे फॉर्म भरने में, 5-6 बार लॉग आउट हुआ था, फिर से मैंने लॉग इन किया, फिर से लॉग आउट हुआ, फिर से लॉग इन किया, तो कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया है इस फॉर्म भरने में। तो आप भी, आपको भी समझ सकते हैं आपको कितना टाइम लग सकता है इसे फॉर्म भरने में। तो आप फॉर्म भरिए, और अगर लॉग आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग इन कर लेना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना उन सभी विद्यार्थियों के पास जो इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।